हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपैरेटस, या इसको हम गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। तो गोल्जी उपकरण कलम पिछले लेक्चर में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो न्यूक्लियस देन अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन नंबर आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। तो उन्हीं के नाम पर इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। ये जो गोल्जी अपैरेटस है, इसे हम तो ये एक नेटवर्क टाइप होता है, और जो चीज नेटवर्क के समान होती है उसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो इसका एक नाम और है डिक्टियोसोम। डिक्टियोमेंस होता है, डिक्टियोमेंस होता है नेट। तो यहां पर एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के कारण इसे हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, डिक्टियोसोम। जो गोल्जी बॉडी है, एक्चुअल में ये कनेक्शन होता है, अगर देखें हम तो गोल्जी बॉडी द कनेक्शन बिटवीन ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरीन्यूक्लियर स्पेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड प्लाज्मा लेमा, बिटवीन जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं आशय वेसिकल्स एंड प्लाज्मा लेमा, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और प्लाज्मा लेमा ईआर और पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच का एक कनेक्शन होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच भी कनेक्शन होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में भी कनेक्शन होता है। तो इतना कनेक्शन ईआर और पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच में है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड प्लाज्मा लेमा के बीच में है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में है। तो ये लगभग जालिका रूपी है और ये जालिका रूपी संरचना सबसे जुड़ी होती है। यह मोस्टली ट्रैफिकिंग का कार्य करती है, ट्रैफिकिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम लिपिड है, प्रोटीन है, इन सभी का ये ट्रांसपोर्ट करती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें ये यही है नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क, जिसको हम डिक्टियोसोम नाम देते हैं, वो यही है। तो इस नेटवर्क के अंदर हम ये स्ट्रक्चर इसकी हम अगर लिखें, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में ये संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर समान होती है,
तो वारिज फॉर्मिल की इसकी विभिन्न रूप पाए जाते हैं फ्रॉम मास यानी ग्रेन्यूल्स, विभिन्न प्रकार के रूप इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें ये ग्रेन्यूल से लेकर के यानी कण से लेकर के ग्रेन्यूल से लेकर और जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं डिस्पर्स फिलामेंट यानी कि बिखरे हुए तंतु के समान, ग्रेन्यूल से लेके तंतु के समान संरचना इसकी होती है। ठीक है, या तो एक मास होता है या एक ग्रेन्यूल होता है या फिर इस तरह से बिखरे हुए तंतु के समान ये संरचना होती है, इसे हम गोल्जी अपैरेटस के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो इसकी आकृति है, आकार आकृति डिपेंड करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल यानी कि सेल इज डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। ठीक है, इसकी आकृति जो कोशिका है उसकी मेटाबॉलिक स्थिति क्या है, तो मेटाबॉलिक कंडीशन के हिसाब से इसकी आकृति होती है और इस कंडीशन वाले ऑर्गेनेल जो अपनी आकृति चेंज करते रहते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक, यानी कि इसकी एक से ज्यादा आकृतियां होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक, इसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। ये एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है क्योंकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये किससे बनी है, फिलेटल सैक से बनी है, बाउंडेड सैक्स। Filleton and bounded sacs, जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी, जिसे हम क्या कहते हैं सिस्टर्नी या डिक्टियोसोम या गोल्जीसोम। तो जो थैले नुमा संरचना, ये देखो बाउंडेड सेक्स, इसको ल्यूमन कह रहे हैं, ल्यूमन तो ये सेक्स ही है, SACS है, क्योंकि थैले नुमा संरचना है जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ गोल्जी अपरेटस, ये अरेंजेड मतलब विभिन्न होता है, लगभग ये तीन से लेकर पर सेल के अंदर 12 होता है, लगभग इसकी संख्या इतनी होती है, 3 से लेकर के 12 होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिलीट कर रहा हूं। जो नंबर है वो लगभग 12 तक होता है। उसके बाद सिस्टर्नी जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं यानी कि आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, यानी कि ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से ये सभी आपस में जुड़े होते हैं, सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड मेक गोल्जी स्टॉक्स या सिस्टर्नी स्टॉक्स, यानी कि बिल्कुल सिक्के के समान, सिक्के की ढेरी होती है उस तरह से ये बनाते हैं,
और प्रत्येक गोल्जी स्टॉक्स के अंदर 4 से 6 सिस्टर्नी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर जो होती है गोल्जी अपरेटस के वो वही 3 से लेकर 12 होती है, और प्रत्येक गोल्जी स्टॉक्स के अंदर जो संख्या है वो 4 से लेकर 6 होती है। एक लार्ज नंबर इनकी बहुत बड़ी मात्रा में जो स्मॉल वेहिकल वेसाइकल्स होते हैं, छोटे आशय, इनकी छोटे थेलियोमर संरचना, ये इसके साथ जुड़े होते हैं और प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, देते हैं। बहुत अधिक संख्या में छोटे वेसाइकल्स इसके साथ जुड़े होते हैं, वह लिपिड और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड व प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी ये सब जो है ना, ये सब छोटे छोटे वेसाइकल्स हैं, इनसे ही आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हम थोड़ा जिक्र बाद में करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कहां कहां तक होता है। अब जो प्रत्येक गोल्जी अपरेटस है, यानी कि प्रत्येक गोल्जी स्टॉक्स, एवरी गोल्जी स्टॉक्स, ये आप देख रहे हैं जो डायग्राम है ये गोल्जी स्टॉक्स का है। यहाँ पर जो वेसाइकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के पास ऊपर रखे हुए हैं इस तरह से, तो इन्होंने एक तह बनाई हुई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गोल्जी स्टॉक्स। तो एवरी गोल्जी स्टॉक्स कंसिस्ट ऑफ 3, यानी कि इसके अंदर 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स या 3 सब कंपार्टमेंट्स, पार्ट्स या इसको हम यहां पर कहते हैं सब कंपार्टमेंट्स। कौन कौन से कंपार्टमेंट है, एक तो है इसके ऊपर सिस फेस, पहला होता है सिस फेस, दूसरा होता है मिडल फेस, और तीसरा होता है ट्रांस फेस। ठीक है, दिस इज द सिस फेस, दिस इज मिडिल फेस, ये मिडिल फेस है, और दिस इज द ट्रांस फेस। 3 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और एवरी कंपार्टमेंट हैव एंजाइम, कौन सा, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, क्योंकि ये ग्लाइकोसिल जो ओलिगोसैकेराइड जो यूनिट है उसमें ट्रांसफर करती है, उसमें ट्रांसफर करती है ये फास्फोरस एंड एसिटिल ग्लूकोज एमीन को ट्रांसफर करती है। डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके, भी हम फंक्शन में बात करेंगे, अभी संरचना देख रहे हैं। तो प्रत्येक कंपार्टमेंट के अंदर ग्लाइकोसिल ट्रांसफर एंजाइम होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि जो प्रोटीन्स जो होती है, देखो यहाँ पर है ईआर, देखो यहाँ है न्यूक्लियस, इस तरह से अगर इसके देखें, न्यूक्लियस से ईआर, और ईआर से होता है जीसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बनती है। अब जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है ईआर,
ईआर के ऊपर होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करते हैं, इस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम से प्रोटीन कहाँ आती है, यानी कि ईआर के ऊपर जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन फिर बाद में डायरेक्ट जुड़ी होती है किसके साथ, जीसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ईआर जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये तीनों आपस में लिंक रहे हैं। तो यहाँ से ये इसके पास आती है और यहाँ से ये इसके पास आती है और उसके बाद इस जगह पर इसको कह देंगे, यहाँ तक आते आते इस जगह पर यहाँ ट्रांसलेशन हो जाता है और यहाँ से फिर ये यहाँ आती है। तो कुल मिलाकर के जब ट्रांसलेशन हो जाता है तो उसके बाद उस प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेज आ रहे हैं, उन चेंजेज को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि अनुवादन होने के बाद मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जो होते हैं वो कुछ ईआर के अंदर होते हैं और कुछ होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो उसके बाद जब एक बार ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन निकल जाती है तो फिर वो अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाती है। देखो यहाँ से ये सीक्रेटरी वेसिकल से, यानी कि ये देखिए लाइसोजाइम का श्रावण करने वाली ये लाइसोसोम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो सेल्स के हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या कंपार्टमेंट या ऑर्गेनेल्स के अंदर इस प्रोटीन का ट्रैफिकिंग या सॉर्टिंग की जाती है। उसके बाद इसका केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन वैसे इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता है, इसमें लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये ध्यान रखें भाई। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो केमिकल कंपोजिशन में ये मेनली मेड अप बाय लिपोप्रोटीन्स, ठीक, लिपोप्रोटीन से ये बना होता है। उसके बाद बहुत ही कम मात्रा, वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ आरएनए भी होता है, इसमें डीएनए भी होता है बहुत ही लो, और पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, आरएनए डीएनए एंड पॉलीसेकेराइड, लेकिन ये इतने नहीं होते हैं कि इसके कार्य कर सके, ये बस बहुत नाम मात्र के लिए होते हैं केवल बताने। उसके बाद इसमें मेन एंजाइम जो है इसका वो है थायमिन पाइरोफॉस्फेट एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो मेन एंजाइम इसके है थायमिन पाइरोफॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज थायमिन पाइरोफॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ज्यादा इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। लिपोप्रोटीन से बनी होती है, बहुत कम मात्रा में डीएनए आरएनए और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और मेन एंजाइम्स जो है उसके थायमिन पाइरोफॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज होते हैं। उसके बाद इसके देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम यहां पर तो इसके अंदर कोई भी प्रोटीन का निर्माण होता नहीं है, ठीक है। फंक्शन हम यहां इसके देख लेते हैं। इसमें किसी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है लेकिन प्रोटीन की ट्रैफिकिंग जरूर होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो बड़े अणु होते हैं उनका ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अब देखो बात यह है सीधी सीधी कि
ये खुद एक लिपिड बायलेयर की संरचना है। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये लिपिड बायलेयर में छोटे मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं, आयंस, यहाँ पर आयंस चले जाते हैं, ध्यान रखना। वैसे नॉर्मल मेम्ब्रेन के अंदर आयन यहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जब बड़े मॉलिक्यूल्स को भेजना हो उस कंडीशन में इसके अंदर भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर आती जाती है, यानी इससे निकलती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसे हम कहते हैं। अब देखो ये बिटवीन द सेल्स भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स एंड सेल के अंदर भी हो सकता है, विद इन द सेल्स, और इससे हम नाम देते हैं प्रोटीन या मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। इसका नाम है मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग, यानी कि किस प्रकार से मेम्ब्रेन जो है इन आयनों का, इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। उसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो है, ये तो है ही है, उसके बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है पोस्ट ट्रांसलेशन नल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं प्रोटीन के अंदर, वो सब इसके अंदर होते हैं, इसका मेन काम है। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं आपको कि वे कौन कौन से इस कार्य इसके अंदर होते हैं। तो एग्जांपल के लिए पहला कार्य है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड कोर, यानी कि फॉस्फोराइलेशन अर्थात फॉस्फोरस का जुड़ना, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, ये होता है भाई सिस कंपार्टमेंट के अंदर, सिस कंपार्टमेंट के अंदर ये होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। दूसरा है रिमूवल ऑफ मैनोस, मैनोस शुगर होती है, रिमूवल ऑफ मैनोस ये भी वही सिस के अंदर होता है, रिमूवल ऑफ मैनोस ये भी सिस के अंदर होता है। उसके बाद एडिशन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन का जुड़ना, एडिशन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसैमीन का जुड़ना, ये भाई मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर होता है, ये होता है मिडिल कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये देखो प्रोटीन के अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ, किसी और चीज में नहीं है, प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस जुड़ेगा तो प्रोटीन जुड़ेगा, और प्रोटीन से जुड़ती है ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, जिसको हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, पॉलीसैकेराइड जब प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। तो ग्लाइको प्रोटीन में जो ऑलिगोसैकेराइड जुड़ी हुई है उसके साथ उसका फॉस्फोराइलेशन, ये भी पोस्ट पीटीजीएस में, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में आता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ मैनोस, अगर मैनोस का हटना, जो मैनोस जुड़ा हुआ है, मैनोस जुड़ती है फिर हटती है, तो उसका हटना भी क्या है, सिस में होता है। एडिशन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन, ये मिडिल के अंदर होता है। एडिशन ऑफ गैलेक्टोज एंड सियालिक एसिड, एडिशन ऑफ गैलेक्टोज एंड सियालिक एसिड, एडिशन ऑफ गैलेक्टोज एंड सियालिक एसिड, ये भाई ट्रांस कंपार्टमेंट में होता है। उसके बाद
सल्फेशन यानी सल्फर का जुड़ना, सल्फेशन ऑफ टायरोसिन, सल्फेशन ऑफ टायरोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये भी ट्रांस के अंदर होता है, सिस मिडिल एंड ट्रांस। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो गोल्जी अपरेटस से संबंधित हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गोल्जी अपरेटस, इतना खास बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखनी है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, इससे संबंधित एक या दो और खासकर इनसे संबंधित आता है। ये जो पॉइंट्स मैंने एक एक पॉइंट जो लिखाया है आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटा किया गया है, इस टॉपिक को बड़ा नहीं किया गया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है उनसे ही उठ के क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्जाम हो, जनरल साइंस का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।